आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगती तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फाल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है, क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए हम विस्तार से इसके बारे में जानें। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माँ सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माँ सीता का चिंता और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीतता जा रहा है। यह जानकर माँ सीता असमंजस में पड़ गई। तब माँ सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ बट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, गाय सबको साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माँ सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया था। माँ सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संन्यास था कि प्रभु श्री राम इत बात को मानेंगे कि नहीं, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आ गए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माँ सीता ने कहा कि समय निकलते जा रहा था, जिसके कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माँ सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन सब से पिंड दान किए जाने के बारे में सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण चारों ने प्रभु श्री राम के क्रोध को देखकर झूठ बोल दिया था कि माँ सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। बट वृक्ष ने सत्य कहा था कि माँ सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। चारों साक्षी के झूठ बोलने पर माँ सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। माँ सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, इसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सुखी है। गाय को माँ सीता ने श्राप दिया था कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय हमेशा जूठन खाएगी और दर दर भटक कर उसको खाना पड़ेगा। माँ सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माँ सीता ने तुलसी को श्राप दिया था कि वह कभी भी गया के मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया में मिट्टी में तुलसी कभी नहीं फलती। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाते हैं। माँ सीता ने जहाँ इन चारों को श्राप दिया था वही सच बोलने पर बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा और पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेंगी। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं।
और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।